वेलकम टू माय चैनल फॉर डेकोरेशन। शाहरुखान की कंप्लीट फैमिली, उनकी वाइफ गौरी खान, उनके बेटे और इनकी बेटी सुहाना खान पहुंच गए मुकेश अंबानी के बहुत बड़े ग्रैंड फंक्शन में। जी हाँ, मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन, म्यूजिकल डांस क्लब, जो कि इंडिया का बल्कि बम्बई का सबसे बड़ा डांस क्लब मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया है अपनी बीवी के नाम पे। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने ये इसलिए किया ताकि इंडिया में कहीं से भी कोई भी अपना टैलेंट दिखाकर इंडिया में अपना नाम बना सकता है। बॉलीवुड स्टार जिनमें शाहरुख खान की फैमिली तो थी, सलमान खान, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड स्टार थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की फैमिली। शाहरुख खान की फैमिली पहुँच गई अंबानी फंक्शन में, लेकिन शाहरुख खान किसी मसरूफ की वजह से वहाँ ना आ पाए और उनकी फैमिली बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, बहुत ही अट्रैक्टिव लगी वहाँ पे सबको शाहरुख खान की फैमिली। और गौरी खान वैसे ही एक डिफरेंट लुक और फैशन में अपना एक नाम रखती हैं, और इसी तरह से सुहाना खान और अबराम खान भी, और लेकिन शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड सलमान खान भी वहीं पर थे, जिन्होंने अपनी फैमिली समझ के उनके साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत क्लब्स बनाई, क्योंकि सलमान खान की तो फैमिली है ही नहीं, तो वो सिंगल रहते हैं। सो उन्होंने ऑफ़र की उनको कि उनके साथ वो वहाँ पे वो पिक्स बनाएं। सलमान खान और शाहरुख खान के काफ़ी क्लोज रिलेशन हैं, इवन के दोनों खुद को भाई भाई मानते हैं। शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी पठान, जिसमें सलमान खान ने भी एक मेन रोल प्ले किया है, दोनों ही खुद को भाई भाई समझते हैं, इसलिए ज़्यादा मूवीज़ में अब दोनों ही इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। और शाहरुख खान की कोशिश होती है उनकी उनकी मूवी में सलमान खान ज़रूर नज़र आए, लेकिन वहाँ शाहरुख खान तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनके बेटे अबराम आर्यन के साथ क्लिप्स बनवाए और इमेजेस और फोटोज़ बनवाई।